हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको ऐतिहासिक टूर बिहार के राजगृह की यात्रा कराता हूं, जिसका पुराना नाम है राजगृह, जिसका अर्थ राजाओं का शहर है। भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले के एक प्राचीन शहर और विश्वविद्यालय है। हर्यक राजवंश, प्रद्योत राजवंश, बृहदत्त राजवंश और मौर्य साम्राज्य की प्राचीन राजधानी होने के साथ साथ बुद्ध, महावीर और बिंबिसार जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का निवास स्थान होने के कारण यह शहर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों के प्रमुख स्थान रखता है। देर न करते हुए ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी राजगीर घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करें। आज हम जानेंगे कि राजगीर कैसे पहुंचा जा सकता है, यहाँ पर होटल कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए, यहाँ पर घूमने के कौन कौन से प्लेसेस हैं और अंत में बात करेंगे कि प्रति व्यक्ति कितना खर्च आने वाला है। दोस्तों, राजगीर बहुत जाना माना पर्यटन स्थल है। यहाँ पर देश विदेश से लाखों पर्यटक हर साल घूमने के लिए आते हैं। राजगीर अपने हरे भरे घने जंगलों, पर्वतों से घिरे हुए हरियाली वातावरण में पांच पहाड़ियों के बीच बसा हुआ मनमोहक शहर है। यहाँ पर प्राकृतिक झरने, गर्म पानी के कुंड, जंगल सफारी और धार्मिक दृष्टि से यह बहुत प्रसिद्ध स्थान है। राजगीर प्राचीन समय में मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी, एक ऐसा राज्य जो अंततः मौर्य साम्राज्य में विकसित हुआ। इसका उल्लेख भारत के प्रसिद्ध साहित्यिक महाकाव्य महाभारत में इसके राजा जरासंघ के माध्यम से मिलता है। चलिए यात्रा का विवरण शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप राजगीर घूमने के लिए कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, राजगीर मुख्य दो मार्गों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम हम रेल की बात करते हैं। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन राजगीर रेलवे स्टेशन है। यहाँ तक हर स्टेशन से ट्रेन आती है। यदि आपकी ट्रेन डायरेक्ट यहाँ तक नहीं आती है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप पटना और गया आ सकते हैं। पटना से राजगीर की दूरी 110 किलोमीटर की है और गया से राजगीर की दूरी 65 किलोमीटर की दूरी है। अब हम सड़क मार्ग की बात करें तो यहाँ पर बहुत हाईवे बने हुए हैं। हर शहर से एसी और नॉन एसी बस यहाँ तक आती है। आप अपनी कार के माध्यम से आना चाहते हैं तो भी उससे आ सकते हैं। यहाँ पर कई होटलों में और प्राइवेट पार्किंग आपको गाड़ी रखने की सुविधा मिल जाएगी। जब आप गया से राजगीर के लिए 30 किलोमीटर आगे आते हैं, उस समय दशरथ मांझी गांव पड़ता है, जिनको द माउंटेन मैन भी कहा जाता है। 120 मीटर ऊंचा पहाड़ था जिसको 22 सालों में काट के रास्ता बनाया था। उनकी पत्नी जब उनके लिए खाना ला रही थी तब पांव फिसल जाने के कारण उनकी हालत नाजुक हो गई थी और अस्पताल ले जाने के लिए 55 किलोमीटर चलना पड़ता, इसलिए उनकी वहीं पर मौके पर डेथ हो गई। इसी की याद में उन्होंने यह पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। अब हम तीसरी मार्ग वायु मार्ग की बात करते हैं। यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट गया में है और पटना सेकंड नियरेस्ट एयरपोर्ट है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर होटल कहाँ पर लेना चाहिए। राजगीर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, 1 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड बना हुआ है, आप वहाँ पर आ जाइए। बस स्टैंड के पास में ही ढेर सारे आपको होटल मिल जाएंगे। हर बजट के होटल उपलब्ध हैं। होटल स्टार्टिंग रेट की बात करें तो 700 से चालू हो जाते हैं और 1200-1300 रुपये में आपको बढ़िया होटल मिल जाएगा। दोस्तों, होटल लेने के बाद कुछ देर आप होटल में आराम कीजिए, थकान दूर कीजिए, उसके बाद घूमने निकल जाइए। आप ई रिक्शा बुक कर लीजिए। ई रिक्शा 7 या 8 प्लेसेस घुमा देते हैं। यह पूरे दिन के लिए 400 या 500 रुपये चार्ज करते हैं। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर घोड़ा गाड़ी है जिसको टमटम भी कहते हैं और कहीं कहीं पर टांगा भी कहा जाता है। आप घूमने आए हैं तो मेरी राय में टांगे को प्रेफर ज़्यादा दीजिएगा, इसका एक्सपीरियंस एक अलग होता है। घोड़ा गाड़ी वाले पर पर्सन के लिए 250 से 300 रुपये
चार्ज करते हैं। पूरी घोड़ा गाड़ी बुक करने के लिए 800 या 900 रुपए चार्ज करते हैं। सर्वप्रथम तांगे वाले भाई साहब हमको सोन भंडार लेकर चलेंगे। मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार का यहाँ पर सोने का भंडार है, जिसको अंग्रेजों ने भी खोजने की अथक कोशिश की थी। तोप के गोले से भी पहाड़ी को भेदा था, लेकिन उसकी खोज आज तक नहीं हो सकी। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं भी बनी हुई हैं, उनको भी घूमने में आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगा। इसको घूमने के बाद हम जरासंघ के अखाड़े जाएंगे, इसको भी आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छा महसूस होगा। इसके बाद रोड के पास में ही मनियार मठ स्थित है। यहाँ पर नागा समाज के लोग पूजा करने आते थे। यहाँ पर प्राचीन कुआं भी स्थित है। इसके बाद हम लोग वेणु वन चलेंगे। यह पार्क सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ की एंट्री टिकट 20 रुपए पर पर्सन है। बुद्ध भगवान को समर्पित यह वेणु वन लगभग 2500 साल पुराना है। इस पार्क का निर्माण यहाँ के राजा बिंबिसार के द्वारा करवाया गया था। पार्क के अंदर एक छोटा तालाब है और मंदिर बना हुआ है। यह पार्क बहुत शांतिपूर्ण जगह है, इसमें आप शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इस वन के अंदर बच्चों के खेलने के लिए बहुत ढेर सारे झूले भी बने हुए हैं। यहाँ पर आप तालाब के अंदर मछलियों को भी निहार सकते हैं। इस पार्क के अंदर बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फोटो सेल्फी भी आप ले सकते हैं। यह जगह बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों के लिए बहुत शानदार स्थल है। इसके बाद आप जापानी मंदिर जा सकते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध की सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति रखी हुई है। यह मंदिर बहुत प्यारा सा बना हुआ है, इसके अंदर भी आप घूम सकते हैं। इसके बाद हम लोग शांति स्तूप की तरफ बढ़ चलेंगे। दोस्तों, विश्व शांति स्तूप रत्नागिरी पर्वत पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस रास्ते को आप पैदल भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घूमने आए हैं तो रोपवे का इस्तेमाल कीजिए। रोपवे की आने और जाने की टिकट 120 रुपए पर पर्सन होती है। रोपवे के माध्यम से जब आप ऊपर जाएंगे तो पूरी राजगीर पहाड़ी को नीचे का दृश्य आपका मन मोह लेगा। दोस्तों, पहले यह पर खुली हुई चेयर टाइप की एक सिंगल पर्सन रोपवे चलती थी, लेकिन अब केबिन का निर्माण करा दिया गया है, जिसमें 4-5-6 लोग इकट्ठे जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन चालू हैं, आपको जिसमें मन करे उसमें आप घूमिए। विश्व शांति स्तूप बुद्ध भगवान को समर्पित है। इसका निर्माण जापानियों द्वारा 1960 में कराया गया था। इसके चारों तरफ बुद्ध भगवान की अलग अलग मुद्राओं में मूर्ति बनी हुई है। यह शांति स्तूप 120 फीट ऊंचा बना हुआ है। यहाँ पर आप 1.5 से 2 घंटे रुक सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम ब्रह्म कुंड की ओर बढ़ चलेंगे। यहाँ पर 21 कुंड हैं, सभी कुंड के अलग अलग महत्व हैं। यहाँ पर ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, राम लक्ष्मण कुंड और सरस्वती कुंड यह प्रमुख कुंड में आते हैं। दोस्तों, ब्रह्म कुंड में 7 पानी की धाराएं हैं, जो कि सप्त ऋषि को समर्पित हैं, इसीलिए सप्त ऋषि कुंड भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कुंड भी है, उसमें आप स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत और भी बहुत से मंदिर बने हुए हैं, उनके भी आप दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म कुंड के पास में ही एक बढ़िया गुरुद्वारा भी बना हुआ है, उसमें जाकर आप मत्था टेकिए और लंगर का प्रसाद चखिए। गुरुद्वारे में शीतल कुंड भी बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जरासंघ मंदिर जाएंगे, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। दोस्तों, जरासंघ का संबंध महाभारत के काल से मिलता है। महाभारत के समय में जरासंघ की राजधानी राजगीर हुआ करती थी। जरासंघ जी को अमृत प्राप्त था कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। इसके पास में ही जरा देवी का प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, उसमें भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग वीरायतन जाएंगे। यह एक जैनियों की बड़ी संस्था है। इसके अंदर मंदिर और म्यूजियम बना हुआ है। मंदिर में 24 जैन मुनि जी के दर्शन करने के बाद हम म्यूजियम के अंदर जाएंगे। म्यूजियम के अंदर 24 जैन मुनि जी के जीवन काल को एक झांकी के रूप में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जैन मुनि जी को झांकियों के रूप में आप महसूस कर सकते हैं।
इसके बाद आप पांडु पोखर जाएं। यह पार्क 22 एकड़ में बना हुआ है। बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही मनमोहक पार्क है। इसके अंदर आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे वोटिंग, हॉर्स राइडिंग, पंजी जंपिंग, चिंडल प्ले जोन, सेल्फी पॉइंट, क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे अनेकों खेलों का आनंद उठा सकते हैं। इस पॉल्यूशन फ्री पार्क में आपको नाइट स्टे के लिए टेंट भी उपलब्ध करा दिया जाता है। उसका चार्ज अलग से है, जिसके अंदर फ्री वाईफाई और एसी की सुविधा भी होती है। पास में ही रेस्टोरेंट है, वहाँ से आप भोजन कर सकते हैं। इन सब प्लेसेस को घूमते हुए हमको शाम हो जानी है। इसके बाद हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन प्राप्त करेंगे और अपने होटल में आराम करेंगे। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम अपने होटल से ब्रह्मकुंड रोड पर बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर जंगल सफारी बना हुआ है, वहां पर जाएंगे। बस स्टैंड से ऑटो के माध्यम से 20 या 30 रुपए पर पर्सन देकर हम जंगल सफारी पहुंच जाएंगे। जंगल सफारी में यहां के ग्लास ब्रिज जंगल के लिए फेमस है। जंगल सफारी का टिकट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, लेकिन ग्लास ब्रिज की टिकट आपको नहीं मिल पाएगी। एक दिन में ग्लास ब्रिज के लिए 800 टिकट ही दिए जाते हैं, इसलिए आप ऑनलाइन टिकट लेकर ही आएं। ग्लास ब्रिज की बुकिंग अपने यात्रा से 3 दिन पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में नीचे का लिंक दे दूंगा। यहाँ अधिकांश लोग ग्लास ब्रिज को एंजॉय करने के लिए ही आते हैं। ग्लास ब्रिज फोटोशूट और सेल्फी के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर इसके पास में ही एक सस्पेंशन ब्रिज भी बना हुआ है, जो 135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा है। इस पर चलने का एक अलग ही मज़ा है। राजगीर जंगल सफारी का पर पर्सन 300 रुपए के टिकट लगती है। जैसा कि आपको मालूम है कि जंगल सफारी मंडे को बंद रहता है और जू भी मंडे को बंद रहता है। वाइल्ड लाइफ सफारी में आप शीशे की बस से ले जाए जाते हैं। इसमें आपको चीता, भालू, तेंदुआ, शेर, हिरण इत्यादि जानवर को नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है, उसमें जाकर आप म्यूजियम को एंजॉय कर सकते हैं। और 3D थिएटर भी बना हुआ है, इसके अंदर आप जाकर नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं। यह बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद आप घोड़ा कटोरा लेक जा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्राइवेट सफारी से नहीं जा सकते हैं। यहाँ के लिए आपको ई रिक्शा हायर करना होगा, जिसका चार्ज पर पर्सन 100 रुपीज़ होता है। राजगीर आने वाले मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पर आना पसंद करते हैं। झील 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में है। 70 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की भारत में 3री प्रतिमा को भी आप देख सकते हैं। यह झील प्राकृतिक बनी हुई है। इस लेक में आप पैडल वोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इसको घूमने के बाद हम विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय जाने के लिए आप रिजर्व ऑटो बुक कर सकते हैं या आप बस की सुविधा भी ले सकते हैं। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में ही हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज़ा करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत सिंह के यात्रा विवरण से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक नियुक्त किए जाते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष विद्यार्थी के रूप में शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था।
प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस तथा तुर्की से भी विद्यार्थियों शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षाप्रद स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय कला का अद्भुत नमूना है। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार हुआ करता था। इसके साथ ही यह टूर प्रोग्राम खत्म होता है। नालंदा में और भी छोटे बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं। आप के पास अगर समय बचता है तो आप उनको भी कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है। ब्रह्मकुंड के पास में ही बहुत ढेर सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं, जहाँ पर आप वेज, नॉन वेज, राजस्थानी, पंजाबी खाना खा सकते हैं। यहाँ पर आने की बात करें तो यहाँ पर आने का समय अक्टूबर से मार्च सही रहता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। मिनिमम 2 डे 1 नाइट का टूर प्रोग्राम एनफ होता है, लेकिन आप एक दिन और रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। पूरा राजगीर आराम से घूम लेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पूरे टूर को करने में कितना खर्च आने वाला है। मैं मान के चलता हूँ दोस्त कि यहाँ पर 2 से 3 लोग तो घूमने के लिए आएंगे ही आएंगे, तो 3 डे एंड 2 नाइट का टूर प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है, जिसके लिए 4,000 या 5,000 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन का खर्चा आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं, इसका मतलब कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर टिक जरूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टूर प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।